इसी तरह से अज़ादारी और गिरिये के बारे में भी याद रखें कि वहां वाकन बहुत है, हुब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वहां पर बहुत है। और आइमा अलैहिमुस्सलाम में इस मौजू में बाज रिवायात भी है, और जहूर के वक्त भी एक अहम तरीन मराकज मराकज में से जो एक मरकज होगा वो ईरान होगा। तो वहां पर भी एक रस्म है खाक उड़ाना। अब यह हमें बताना होगा कि भाई हम गंदगी नहीं उड़ा रहे, खाक उड़ा रहे। खाक उड़ाना सिंपल है किस चीज का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में सर मुबारक में भी खाक थी, बाल बिखरे हुए थे। कब के जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा। एक चीज है खाक, दूसरी चीज है गिल। गिल कहते हैं जब उसको पानी में मिला दिया जाए। तो ईरान में इस तरह से है, वो हम लोग भी लगाते थे कि लें और इस तरह लगा लें, लें और इस तरह से लगा लें। ये गिल जो है यानी जब पानी में मिला दी जाए तो ये भी है एक अलामत के तौर पर। इसी तरह से महाराज बुजुर्गवार या मोमिन यहाँ पर भी लगाते हैं, कहीं भी लगा लें। तो हम लोग यहाँ पर या यहाँ पर लगाते थे। इसी गिल के बारे में आयतुल्लाह उज़्मा बुर्जर्दी का वाकया है कि वो फरमाते हैं कि मेरी आंखें खराब हो गई थी और मैंने तवस्सुल किया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से कि मौला मेरी आंखें खराब हो गई हैं, मैं तो आपके दीन की खिदमत के लिए आया था। ये वाकया कसरत से ईरान में पढ़ा जाता है। तो वो फरमाते हैं कि आयतुल्लाह उज़्मा बुर्जर्दी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कोई मुझे कह रहा है कि ये जो उस वक्त वो ज़ाहिरन वहां थे खुर्रमाबाद में, बुर्जर्द में, लोरिस्तान में शायद या नजफ में, कहने लगे कि मुझे ये आया ख्वाब में कि ये जो सुबह दस्ते आए और वो लोग जो खाक उड़ाते हैं और भूसा उड़ाते हैं। तो ईरान में खाक भी उड़ाई जाती है और उसके साथ मिक्स भूसा होता है, सही, और बाज दफा वो गिल होती है। गिल यानी जब पानी में मिला देते हैं, तो वो अपनी आंखों में लगाना। तो वो फरमाते हैं कि सुबह मैंने वो उठा के लगाई आंखों में और आज तक मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये वाली बात बहुत सारे उलमा ने बताई कि हम बारीक से बारीक चीज इसी वाकये की वजह से, क्योंकि आगा बुर्जर्दी फरमाते थे कि मैं बारीक से बारीक चीज पढ़ लेता हूँ, तो बाज दफा हमने भी उन्हें बारीक चीज पढ़ने के लिए दी, जिस पे उन्होंने देख के मुस्कुरा के कहा कि मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे हो। तो उन्होंने पढ़ के सुनाई और कान से सुनने में उनके आपको फोटोज मिलेंगी कि ऐसे वो जोर लगाते थे, लेकिन आंखें उनकी आखिर उम्र तक सही रही। तो ये बात हो रही है किसकी, मर्ज तकलीफ की बात हो रही है और मंसूब है किससे, खाक से।